नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। चलिए, हम लोग कल तक वर्णमाला तक देख चुके थे, आज हम लोग वर्णमाला की परिभाषा देखेंगे, यानी वर्णमाला तक हम लोग पहुंच चुके थे, आज हम लोग वर्णमाला देखेंगे। तो वर्णमाला देखिए, वर्णमाला देखिए, अगर वर्णमाला की बात की जाए ना, तो वर्णमाला की बात अगर हम करते हैं तो वर्णमाला होता क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, इतना तो सब जानते हैं। लेकिन वर्णमाला के जानने से पहले हम ये जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम वर्ण के बारे में देखते हैं। देखिए, वर्ण कहते किसे हैं? बात की जाए यदि वर्ण को, तो वर्ण की सार्थक परिभाषा हम लोग देखते हैं। कहते हैं, अपनी मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए, अपनी मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए विद्वानों के द्वारा प्रयोग किए गए ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं अपनी मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए विद्वानों के द्वारा प्रयोग किए गए ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, लिखित रूप होता क्या है? देखिए, मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए, ये जो मौखिक भाषा हमारी थी भैया, जिसको हम बोलकर व्यक्त करते थे ना, यह भाषा होती क्या है? लिखित रूप इसको दिया जाता है। लिखित रूप देने का मतलब जो हम आपसे बोल रहे हैं उसी को हमने लिखित रूप दिया, और लिखित रूप देने के लिए हमने क्या किया भैया, कुछ विद्वानों के द्वारा प्रयोग किए गए ध्वनि चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक, अब जो यह वर्ण है, वर्ण का अगर हिंदी रूपांतरण देखा जाए तो वर्ण का हिंदी रूपांतरण होता है भैया अक्षर। वर्ण का हिंदी रूपांतरण अक्षर होता है। ठीक, वर्ण का हिंदी रूपांतरण अक्षर। अब अक्षर में अ का अर्थ होता है भैया नहीं, अ का अर्थ होता है नहीं, और क्षर का अर्थ होता है क्षरण। ठीक, यानी जिसका क्षरण नहीं किया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक, अब क्षरण नहीं किया सकता उसको हम क्या कहते हैं भैया? अक्षर कहते हैं। अक्षर का मतलब जिसको और छोटा ना किया जा सके, वही क्या हो गया? अक्षर हो गया। अच्छा, अब देखिए, क्षरण, इसको छोटा नहीं किया जा सकता है, नहीं का मतलब नहीं हो गया। ठीक, जैसे हम लेते भैया क, यह क्या है आपका? एक अक्षर है। ठीक, अगर हम लिख दें अ, तो यह क्या होता है भैया? एक अक्षर है। इसी को अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं।
अब हम देखेंगे भैया इनके समूहों को क्या कहा जाता है, लेकिन उसके पहले एक चीज अगर आपसे कभी पूछता है ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला के जनक किसे कहा जाता है, तो आप लिखिएगा भैया सर्वप्रथम सर्वप्रथम हिंदी वर्णमाला को, हिंदी वर्णों को, या हम हिंदी ने लिखे तो सभी वर्णों की बात हम कर लें, मान लीजिए संस्कृत को भी अगर हम ले लें तो ध्यान दीजिएगा सर्वप्रथम वर्णों को व्यवस्थित व्यवस्थित करने का श्रेय, सर्वप्रथम वर्णों को व्यवस्थित करने का श्रेय पाणिनि महोदय को जाता है, पाणिनि महोदय को जाता है, पाणिनि महोदय को ठीक। अगर आपसे पूछता भैया वर्णों को व्यवस्थित करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है, तो वह जाता है भैया पाणिनि महोदय को। अच्छा, जब पाणिनि महोदय को जाता है, यानी पाणिनि महोदय को आप जब संस्कृत पढ़ेंगे तो वहां पर आपको महेश्वर सूत्र मिलते हैं ना, महेश्वर सूत्र को ही शिव सूत्र जालम भी कहा जाता है। तो यह पाणिनि महोदय थे भैया, इन्होंने सबसे पहले महेश्वर सूत्र को सुना, यानी उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने डमरू बजाया, उससे 14 सूत्र निकले, आयुड़ रिलिक एओंग एओच हयवरट लड यमगणम झबे गर्दस जब गर्दस खप छटत चटत कपय ससर हट। ये जो संस्कृत का सूत्र इन्होंने सुना, इससे इन्होंने क्या किया भैया, वर्णों को एक क्रम दिया, एक व्यवस्थित रूप दिया। इसलिए क्या होता है भैया कि जो आपके पाणिनि महोदय थे, यह आपके जो पाणिनि महोदय थे, इन्हें ही हिंदी वर्णमाला का व्यवस्थित रूप करने का श्रेय दिया, इसलिए इनको हिंदी वर्णमाला का क्या कह दिया गया भैया, जनक कह दिया गया। ठीक, अगर कभी आपसे पूछेगा वर्णमाला का जनक किसे माना जाता है, तो पाणिनि महोदय को माना जाता है। इस चीज आप ध्यान दें, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं वर्णमाला पर। देखिए हम वर्णमाला, अब ध्यान दीजिएगा वर्णमाला कहते किसे हैं। ठीक, कहते हैं वर्णों के वर्णों के व्यवस्थित एवं वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमागत स्वरूप को वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमागत स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को के व्यवस्थित एवं क्रमागत स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमागत स्वरूप होता क्या है। जैसे भैया अगर हम क लिख दे और क के बाद हम लिख दे भैया या, फिर म, फिर ख, फिर छ, ठीक, फिर ज ना, फिर आपका घ, ऐसे लिख दे, ठीक, तो यह वर्णमाला नहीं है। वर्णों का समूह तो है,
एक वर्ण दो वर्ण तीन यानी वर्णों का समूह है, लेकिन यह वर्णमाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी परिभाषा क्या करे, वर्णों के व्यवस्थित। देखिए अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो वर्ण होता है भैया, ठीक, जो वर्ण होता है यह अक्षर वर्ण, एक मिनट, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, ठीक, आप लोग जानते हैं अक्षर का अर्थ क्या होता है, सबको पता है। अच्छा यहां पर माला शब्द लगा हुआ है, माला माने होता है भाई, जैसे आप देखे होंगे जो माला होता है ऐसे होता है। अब ये जो माला है इसमें मान लीजिए होता क्या है, एक पुष्प का मुख अगर ऊपर है तो क्या दूसरे का मुख नीचे होगा, ऐसे होगा, नहीं होगा। अगर एक का मुख ऊपर है तो सबका मुख भैया ऊपर ही रहेगा, यानी क्रम से रहेगा, ये सबका मुख क्रम से ही रहेगा, ठीक। इसी माला का अर्थ होता है व्यवस्थित, माला का अर्थ व्यवस्थित व क्रमागत, व्यवस्थित व क्रमागत, इसीलिए कहते हैं भैया कि वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमागत, माला शब्द इसीलिए रखा हुआ है। अब यहां पर वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमागत स्वरूप की बात करता है तो सबसे पहले हमको व्यवस्थित करने का क्या क्रम आता है, तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं भैया, स्वर, इसके बाद क्या करते हैं व्यंजन, ये दो भेद होते हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा स्वर और व्यंजन के बीच में एक आता भैया अयोगवाह, जो स्वरों से मिलकर बोला जाता है, तो इसी के बीच हम अयोगवाह को भी रख देते हैं। क्योंकि व्यंजन आकर भी इसमें मिलते हैं, ठीक। बाद में आप देखे होंगे भैया 19वीं शताब्दी में कौन आते हैं, 19वीं शताब्दी में आपके आते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास से बातें हैं, इन्होंने कहा कि भैया ये जो वर्ण है, वर्णों में जो पंचमाक्षर है उस पंचमाक्षर के स्थान पर, जो पंचमाक्षर है 19वीं शताब्दी में, किसने कहा भैया, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा कि जो पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर माने पांचवें अक्षर, ng ñ ڑ ن م, इन पंचमाक्षर पांचवें अक्षर के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं भैया, अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए भैया आप देखते हैं पहले जैसे हम लोग पंकज लिखते थे तो पंकज ऐसे लिखा जाता था, लेकिन जब इन्होंने कहा कि जो पंचमाक्षर है इसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, तब हम लोग पंकज का स्वरूप कैसे दे दिए, पंकज, ठीक। जैसे आप कहते हैं भैया हिंदी, शुद्ध हिंदी, और इसी पंचमाक्षर जो यहां पर न दिख रहा है, इसी न का पंचमाक्षर जो यहां पर न दिख रहा है भैया, इसी का पंचमाक्षर की बात की जाए तो पंचमाक्षर का क्या होगा, अनुस्वार दिया गया तो क्या हो गया भैया, हिंदी, ठीक। तो इसको आपने मानक वर्तनी दे दी, मानक का मतलब जिसको लोगों ने मान लिया हो उसी को मानक वर्तनी कहा जाता है, ठीक। तो ये चीज यहां पर आई भैया। तो अब स्वर और व्यंजन को जो हम क्रम दिए भैया उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब हम देखेंगे भैया कि स्वर और व्यंजन का क्रम कैसे दिया गया, अयोगवाह को कैसे जोड़ा गया, वर्णमाला में वर्णों के भेद कितने होते हैं, ये सब चीजें हम एक क्रम से देखते हुए चलते हैं, ठीक। चलिए आते हैं, हम चलते हैं आगे। देखिए अगर बात की जाए, अब वर्णमाला देख लिए ना, वर्णमाला में वर्णों का क्रम होता है तो वर्ण को देखते हैं कितने भेद होते हैं। देखिए अगर वर्ण की बात की जाए, वर्ण और वर्ण की बात की जाए तो वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं भैया, कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। देखिए पहला होता है आपका स्वर,
और दूसरा होता है आपका व्यंजन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये दो ही भेद होते हैं। अगर आपसे कभी पूछेगा वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के दो ही भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन इन दोनों के बीच भैया बीच, लेकिन अगर मध्यवर्ती कहेगा तो मध्यवर्ती आपका अंतस्थ होता है, स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती अंतस्थ होता है। क्यों होता है अभी आगे उसकी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि ये मिलते स्वरों से हैं और बनते व्यंजन हैं। ठीक, तो अब जो अयोग वाह होता है भैया, न तो स्वर होता है न तो व्यंजन होता है, ठीक, दोनों में से कोई नहीं होता है। देखिए ये आपका है अयोग वाह, अयोग वाह। अब जो अयोग वाह होता है भैया, यह अ का मतलब होता नहीं, योग का मतलब योग, वाह का मतलब वहन करना। ठीक, यानी जो योग नहीं होता जिसका, ना तो स्वर के साथ मिलता है ना तो व्यंजन के साथ मिलता है, किसी के साथ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी यह होता क्या भैया कि दोनों के साथ जुड़कर उनके अर्थ का वहन करता है। इसलिए इसके पीछे वाह शब्द लगाकर इसे हम क्या करते हैं भैया, अयोग वाह लिखते हैं। ठीक, अच्छा आते हैं, अब हम लोग उसकी चर्चा बाद में करेंगे अयोग वाह की, पहले हम लोग चर्चा करते हैं स्वर की। देखिए स्वर का मतलब, देखिए सु धन अर दो वर्णों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बना है। अर यहां प्रत्यय का कार्य करता है, सु उपसर्ग का कार्य करता है। ठीक, अब सु का अर्थ होता भैया सुंदर, सु का अर्थ क्या होता है सुंदर। सुंदर को ही हम श्रेष्ठ, यहां अगर केवल वर्ण की बात की जाए, स्वर की बात की जाए, तो स्वर को सुंदर होने की वजह से हम इसको श्रेष्ठ भी कहते हैं। ठीक, श्रेष्ठ भी कह सकते हैं। अच्छा, जो श्रेष्ठ है भैया, जो सुंदर है, श्रेष्ठ है, अपने आप में पूर्ण है, उसे किसी की सहायता लेनी पड़ेगी नहीं, तो कहते हैं भैया ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में या जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। स्वर की बात अगर कही जाए, कहते हैं ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए अगर स्वर की बात की जाए, तो स्वर दो वर्णों से, दो शब्दों से मिलकर बनता है। देखिए सुधन अर, अभी मैंने बताया सुधन अर, अगर इसमें बात की जाए तो स्वर संधि भी है। स पर हलंत लगाएंगे, कहते हैं किसी भी व्यंजन में जब हम हलंत लगाते हैं तो इसमें लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आ जाता है। अब स पर हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा भैया, ऊ निकलेगा, इसके बाद क्या है अर है ना, कहते हैं ऊ और आ मिलकर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। यहां पर क्या बचा हुआ है भैया आपका, स,
धन व धन र। देखिए इन तीनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, स्वर बन जाएगा। यही चीज मैंने कहा ना कि जो अपने आप में श्रेष्ठ है, जिनको उच्चारण करने के लिए, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक, अब यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग फिर आगे चलते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग केवल स्वर की बात करते हैं। भेद तो हमने देख लिया, तीन होते हैं वर्ण के, मुख्यतः दो ही होते हैं। अब उसमें भी जो स्वर होता है उसके बारे हम लोग देखते हैं। देखिए स्वर, ठीक, अगर स्वर की बात करें तो स्वर के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। स्वर के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। देखिए पहला होता भैया ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर, यानी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये तीन भेद होते हैं। अब देखिए ह्रस्व कहता है कि ऐसे वर्ण, देखिए ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में सबसे कम श्वास के, जिनके उच्चारण में सबसे कम श्वास के सबसे कम श्वास की आवश्यकता होती है सबसे कम सांस की आवश्यकता होती है उसे स्वर वर्ण, सॉरी उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक, अब करें ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में सबसे कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां पर, ऐसे स्वर हम लिख सकते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी इनमें सबसे कम, बोलने में ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती है, सबसे कम श्वास लगता है, सबसे कम समय लगती है। जैसे आप कहते हैं भैया अ, जब हम अ कहते हैं तो बहुत कम समय की आवश्यकता होती है और बहुत कम समय में हम अ बोल लेते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा इसकी अपेक्षा अगर हम बात करें दीर्घ स्वर की, देखिए दीर्घ स्वर इसकी परिभाषा हम यहां लिख देते हैं। ठीक, करें ऐसे स्वर
ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में या जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा ह्रस्व की अपेक्षा ह्रस्व की अपेक्षा ज्यादा सांस की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा श्वास की आवश्यकता ज्यादा श्वास की आवश्यकता पड़ती है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, करें ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा ज्यादा श्वास की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं भैया, दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी इसमें ह्रस्व स्वर होता है और ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इस देखिए इसमें कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है लेकिन इसमें भैया उससे ज्यादा श्वास की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हम कहते हैं भैया आ, देखिए अभी मैंने कहा अ, अ से आ, अब आ को हम बोलते हैं भाई देखिए आ आ आ, आ आ आ आ, तो इसमें क्या हो रहा है ज्यादा श्वास लग रहा है, तो जिसमें ज्यादा श्वास लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, दीर्घ स्वर कहते हैं। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं प्लुत की, ठीक, दीर्घ के बाद हम बात करते हैं प्लुत की। अब प्लुत क्या कर रहा है, इसमें इसमें ह्रस्व व दीर्घ की अपेक्षा ह्रस्व व दीर्घ की अपेक्षा सबसे ज्यादा श्वास की आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा श्वास की आवश्यकता होती है यानी इसमें हर्ष और दीर्घ की अपेक्षा सबसे ज्यादा श्वास की आवश्यकता होती है। अच्छा सबसे ज्यादा श्वास की आवश्यकता, जैसे मैंने यहां पर कहा भैया अ, अ कम समय लगा लेकिन आ, आ की अपेक्षा ज्यादा समय लगा, लेकिन जब हम कहते हैं भैया आ, देखिए आ, इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा श्वास की आवश्यकता होती है। ठीक, तो जिसमें सबसे ज्यादा श्वास की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। लेकिन अगर कभी आपसे पूछता है स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के भैया तीन भेद होते हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया निम्न में मात्रा काल के आधार पर स्वर है, तो आपसे ऐसे पूछ सकता भैया अग्र स्वर, देखिए अग्र स्वर पूछेगा मात्रा काल के आधार पर स्वर है, अग्र स्वर ह्रस्व स्वर, ठीक, फिर ऑप्शन दे देगा भैया पश्च स्वर, ठीक, एक दो तीन, और चौथा दे देगा भैया आपका गोली स्वर। ठीक, ऑप्शन में पूछ सकता भैया ऐसे देगा, पूछेगा मात्रा काल के आधार पर स्वर है, ठीक, तो भैया मात्रा काल के आधार पर अगर बात करेगा
तो इन्हीं तीनों स्वरों को मात्रा काल कहा जाता है भैया। मात्रा माने होता है धारिता, यानी आपका जो मात्र वजन होता है, काल माने समय। अब इस वर्ड को पकड़कर हम मापेंगे तो है नहीं, यानी इसको भैया बोलने में कितना समय लग रहा है उसी को मात्रा काल कहते हैं। उस आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। अब इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि हर्ष स्वर के कितने भेद होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होता है और प्लुत स्वर क्या होता है, इन चीजों को भी हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब इसमें से अगर हर्ष स्वर की बात की जाए, हर्ष स्वर, अभी आपने कहा भैया कि हर्ष स्वर में ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हर्ष स्वर में सबसे कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर आप कहते हैं भैया अ, तो अ को बोलने में आप सबसे कम समय लेते हैं, लेकिन अ की अपेक्षा जैसे आप आ कहते हैं वो दीर्घ हो जाएगा। तो हर्ष स्वर में चार स्वर आते हैं भैया, अ, छोटी ई, छोटा उ और री। ये चार स्वर किस में आते हैं, हर्ष में आते हैं, अ, ई, उ और री। लेकिन अगर दीर्घ की बात करता है, दीर्घ दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर में आपके आते हैं भैया बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक। हिंदी में बड़ी री का प्रयोग नहीं होता है, आप यहां पर नोट पॉइंट बना के लिख सकते हैं भैया, हिंदी में दीर्घ री। अब दीर्घ री को लिखते कैसे, देखिए मैंने आपको समझने के लिए यहां दीर्घ लिखा हुआ है और यहां छोटी री लिखा हुआ है आपको समझने के लिए, लेकिन दीर्घ री को लिखते कैसे हैं भैया, इसको आप जान लीजिएगा। इसको ऐसे करके यहां जो एक होता है इसी को दो करते हैं, ये आपकी दीर्घ री है। हिंदी में दीर्घ री का प्रयोग, हिंदी में दीर्घ री का प्रयोग, चलिए भैया दीर्घ री का प्रयोग प्रयोग दीर्घ री का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, अभी ध्यान दीजिएगा, हिंदी में दीर्घ री का प्रयोग नहीं होता इसलिए भैया हम यहां दीर्घ री नहीं लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, इसके बाद भैया ये आपके मूल दीर्घ होते हैं, इसी में आते भैया ए, आई, ओ, औ। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कभी आपसे पूछेगा हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या भैया सात, हर्ष स्वरों की संख्या, सॉरी हर्ष स्वरों की संख्या चार, हर्ष स्वरों की संख्या चार। लेकिन अगर आपसे पूछे भैया दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या सात। देखिए एक दो तीन चार हो गया, फिर यहां देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात, ठीक ये सात हो गए। अब यहां पर हमको तीसरा भेद क्या मिला था भैया, प्लुत का। तीसरा आपका मिलता है प्लुत।
अच्छा ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि प्लुत स्वर जो होते हैं ये इन्हीं के बड़े रूप होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा श्वास की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा प्लुत स्वरों में इनमें सबसे ज्यादा श्वास की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जैसे आप कहते हैं भैया आ, ये प्लुत स्वर की मात्रा होती है। ये जो आपको तीन जैसा दिख रहा है ये प्लुत स्वर की मात्रा होती है। अब जैसे आप मंत्रोच्चारण के लिए कहते हैं भैया ओम, देखिए ओ जो ए ओ है इसी ओ को हमने यहां लिखा है भैया, बस इसके पीछे हमने क्या किया तेल लगाया। अब आप बोलते हैं ओ, तो इसी को ओ को आपने क्या किया भैया खींचा थोड़ा सा, उसी को हम क्या बोलते हैं प्लुत। जिन स्वरों को हम दीर्घ समय देने के लिए, ज्यादा समय देने के लिए खींच देते हैं, ज्यादा लंबा कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, अगर दीर्घ स्वर की बात करेगा तो ध्यान दीजिएगा दीर्घ स्वरों के दो भेद भी होते हैं। ठीक, एक होता है आपका मूल दीर्घ, एक मूल दीर्घ और दूसरा ये पहला भेद और इधर दूसरा भेद, इसको कहते हैं दीर्घ संयुक्त। यानी दीर्घ के कितने भेद होते हैं, दीर्घ के दो भेद होते हैं, एक मूल दीर्घ और एक दीर्घ संयुक्त। मूल दीर्घ क्या होता है भैया, मूल दीर्घ में आपका आ जाएगा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। कहते क्या मूल दीर्घ की परिभाषा क्या कहती है कि ऐसे स्वर जो दो समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं उसे हम मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जो दो समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं उसे हम मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ संयुक्त क्या कहता भैया, ऐसे स्वर जो दो असमान, देखिए इसके लिए हम लिख भी दे रहे हैं आपको, देखिए होता क्या है ये जो मूल दीर्घ होता है भैया ये दो समान स्वरों से मिलकर बनता है, दो समान स्वर से मिलकर दो समान स्वर से मिलकर दीर्घ रूप धारण करता है। ठीक, दो समान स्वरों से मिलकर दीर्घ रूप धारण करता है। लेकिन दीर्घ संयुक्त क्या कहता है भैया, इसकी परिभाषा देखेंगे तो यह कहता है दो असमान, असमान का मतलब भैया भिन्न, दो असमान स्वरों से मिलकर मिलकर दीर्घ रूप धारण करता है। ठीक, अब इसमें आता कौन कौन सा है, देखिए अगर यहां पर हम देखेंगे इसको एक बार फिर से हम समझेंगे। ठीक, देखिए इसमें जो आपका आ होता है, आ बड़ी ई और बड़ा उ, आ मिलकर बनता भैया आ धन आ से। ठीक, ई मिलकर बनता है ई धन ई से। ठीक, और उ मिलकर बनता है उ धन उ से, यानी समान स्वरों से मिलकर बड़ा रूप। अब यहां पर छोटा ई, छोटी ई बड़ी ई भी हो सकती है, ठीक उसमें नहीं मतलब, लेकिन समान होने चाहिए। और यहां जो दीर्घ संयुक्त होते भैया ए मिलकर बनते हैं, देखिए दीर्घ संयुक्त की बात करेंगे तो ए मिलकर बनते हैं, यहां पर होता है आपका थोड़ा सा
यहाँ पर थोड़ा सा हम जगह लेंगे, असमान स्वरों से मिलकर बनते हैं, असमान स्वरों से इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, मिलकर बड़ा रूप धारण करते हैं। अब यहां पर जैसे आपका भैया हो गया ए, ए मिलकर बनता है आ प्लस ई से। अब देखिए आ और ई दोनों असमान स्वर हैं। इसके बाद भैया आपका है ए, ए मिलकर बनता भैया आ प्लस ए से। देखिए ये दोनों भी असमान स्वर हैं। आ प्लस ए, ये दोनों असमान स्वर हैं। इसके बाद भैया आपका आता है ओ, ए मिलकर बनता है आ प्लस ऊ से। देखिए दोनों असमान स्वर हैं, यहां छोटा और बड़ा हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आपका आता है औ, ठीक, यह मिलकर बनता है अ प्लस ओ से, ठीक। तो यही आपका क्या हो गया, दो भेद हो गया। दीर्घ के कितने भेद होते हैं भैया, तो दीर्घ के दो भेद होते हैं। एक देखिए, ये दीर्घ के भेद होते हैं, दीर्घ के भेद, ठीक। देखिए दीर्घ के भेद होते हैं, एक मूल दीर्घ होता है और एक दीर्घ संयुक्त होता है, दो भेद होते हैं, ठीक। अब जो मूल दीर्घ होता है इसमें तीन स्वर आते हैं, और जो दीर्घ संयुक्त होता है इसमें चार स्वर आते हैं। आप देख भी रहे होंगे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, सात होती है, ठीक। चलिए आज बस करते हैं, इसके बाद हम स्वरों का और वर्गीकरण करते हैं भैया, जिह्वा के आधार पर। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुख के आधार पर, ठीक, ओष्ठ के आधार पर, अनेक प्रकार से हम स्वरों की चर्चा फिर करते हैं अगली बार। आज के लिए बस इतना ही, बाकी धन्यवाद भैया।